इंग्लिश की जरूरत है, सारी चीजें इंग्लिश में होंगी, लेकिन जो हमारे देश की जो मेन सभ्यता है कैसे ग्रीट करते हैं हम, किसी को पता कैसे ग्रीट करते हैं? दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते। तो नहीं, पांव नहीं, पांव आप गुरु के छू सकते हो, लेकिन अभी सारे आने लगेंगे तो पांच मिनट उसी में चले जाएंगे, ठीक है? नाम मैंने बता दिया, मेरा नाम कौन है। अब जो भी बातें मैं बोलूंगा आने वाले 30 मिनट में, उसमें कोई भी आपको क्वेश्चन होगा या समझ नहीं आ रहा होगा, मैं दो इंग्लिश समझ में आती है आपको, क्योंकि अभी क्या हो गया, जो मैं काम करता हूँ उसमें बीच बीच में फ्लो क्या हो जाता है, इंग्लिश बोलनी पड़ती है। अब उनको ये चीज नहीं पता है, लेकिन वो टेस्ट के लिए आते हैं कि क्या अलग है। जैसे मुंबई है, मुंबई में वड़ा पाव फेमस है, ठीक है? और अगर आप मिडिल सेंट्रल इंडिया में चले जाओ तो वहाँ पे चटपटा खाना खाते हैं, वहाँ जैसे इंदौर का सेम बहुत फेमस है, एक नमकीन की तरह होता है वो, बहुत फेमस है। या फिर आप ईस्ट में चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, वहां का क्या फेमस है? रसगुल्ला। उस पर अभी लड़ाई भी चल रही थी, उड़ीसा का है या फिर वेस्ट बंगाल का है, ठीक है? तो वैसे ही खाने के लिए भी लोग आते हैं, तो हमको क्या करना है? आपका अभी तो आप छोटे हो, ठीक है, कुछ साल पहले 10-15 साल हम वहां बैठे थे, यहाँ कोई और था, ऐसे 10-15 साल बाद आप यहाँ होंगे, वहां कोई और होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपका मतलब मेन मोटिव क्या होना चाहिए? जैसे फूड एंड बेवरेजेस है, फूड एंड बेवरेजेस में आप बाहर कहाँ कहाँ का पढ़ रहे हो? बाहर का भी पढ़ रहे हो कि, लेकिन अभी ये सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट दिया है, मतलब वोकेशनल आप एज अ हॉबी इसको सीख रहे होंगे अभी, ठीक है? लेकिन आगे अगर आपको इसी को फ्यूचर बनाना है तो बहुत सारी ऑप्शन है। इंडिया में जब कुछ साल पहले तक, 10-15 साल तक, अभी क्या है, जो वेस्ट वाली कंट्रीज है ना, जैसे यूरोप आपने सुना होगा, यूएस आपने सुना होगा, वो डेवलप क्यों है? अंग्रेजों से भी पहले वो आए थे, उन्होंने आधी चीजें ले गई, तो मतलब एजुकेशन, फिर जब ये सब हो गया, इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद एजुकेशन पे काफी फोकस किया गवर्नमेंट ने भी और अभी भी कर रहे हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये सब्जेक्ट भूल जाओ, मुझे पूछो सब भूल जाओ, लेकिन लाइफ में आपको एजुकेशन ही आगे ले जाएगी। मतलब एजुकेशन सिर्फ किताब, तभी मैंने किताबें, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है और अमेरिका है, ठीक है? लोग क्यों जाते हैं यहाँ, कभी सोचा आपने? चलो नहीं सोचा, मैंने सोचा, मेरे को भी अभी पता चला इन 10 सालों में जब मैंने इस चीज की पढ़ाई की, तो मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको समझ में आएगा। वहां लोग इसलिए जाते हैं, पहली चीज वहां के जो लोग हैं वो डिसिप्लिन है, कल्चर्ड है, ठीक है, और तीसरा एजुकेटेड है, तीन वैल्यूज हैं उनमें। चौथा जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप का मतलब होता है जैसे पहाड़ हो गया, रेगिस्तान हो गया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, हमारे पास दुनिया का हर एक लैंडस्केप है। दुनिया में क्या क्या लैंडस्केप, ज्योग्राफी पढ़ते हो आप लोग? नहीं पढ़ते, चलो। लैंडस्केप क्या होते हैं, जैसे पहाड़ है ये एक लैंडस्केप है, रेगिस्तान है वो एक लैंडस्केप है, बीचेस हैं वो एक लैंडस्केप है, ये सारे लैंडस्केप है। तो हम जैसे यूरोप की जो कंट्रीज है जहां लोग जा रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे उसमें से किसी भी कंट्री में ये सारे लैंडस्केप्स नहीं है। अगर आप जैसे जर्मनी जाओगे, वहां पे थोड़े पहाड़ हैं, थोड़ा प्लेन है, लेकिन बीच नहीं है, बीचेस नहीं है, रेगिस्तान नहीं है। आप अमेरिका जाओगे, वहां पे बीच में रेगिस्तान है एक जगह, लेकिन सब जगह वो नहीं है, बीचेस नहीं है, प्लेन्स नहीं है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सारे लैंडस्केप हैं, ठीक है? तो वो लोग विकसित क्यों हुए, ये मैंने बताया कि मेरे को इंग्लिश भी, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मत करो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया हमारे देश का कि इंग्लिश के बिना कोई जगह नहीं है। लेकिन बाहर वाले लोगों ने वो स्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा ही इतना स्ट्रांग बनाया कि आप बिलीव नहीं करोगे, फ्रेंच, जर्मन, फ्रेंच टॉप टॉप की डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे हर चीज उनकी लैंग्वेज में हो रही है। वो किताबें पढ़ते हैं वो जर्मन में पढ़ते हैं, मेडिकल लाइन में जर्मन में पढ़ते हैं, फ्रेंच में पढ़ते हैं, अलग अलग कंट्रीज के, तो वो प्राउड फील करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैंने देखा है, इवन मैं भी पहले तक अगर किसी ने अपनी भाषा में बात कर रहे हैं तो लोग हंसना शुरू कर, लेकिन वो आपके लिए प्राउड होना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश पढ़ो, उसमें भी अच्छे से पढ़ो, उसको समझ के पढ़ो, लेकिन ये जो कल्चर है, लैंग्वेज हो गया, दूसरा हमारे जो पहनावा है, ढाकू पहनते हैं लोग, पुराने जमाने में लोहिया पहनते थे, उसको खत्म मत होने दो, क्योंकि क्या होगा, आज की डेट में एटलीस्ट मेरे को याद है, ठीक है, आप लोगों को कम याद है,
आगे आने वाली जनरेशन को कम याद रहेगी, खत्म हो जाएगी। फिर नया कल्चर आ जाएगा, तो वेस्टर्न को हम ज्यादा कॉपी कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी गलत बात है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा ऐसे ऐसे अगर करते रहेंगे। लैंग्वेज, पहनावा, जो हमारा म्यूजिक है ट्रेडिशनल म्यूजिक, उसको सुनो, उसको समझो, क्योंकि जो बुजुर्ग दादाजी नानाजी इनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो थोड़ा, क्योंकि लगता होगा हमारे को कि क्या बोल रहे हैं पुराने जमाने, कुछ समझ में नहीं आता है इनको, लेकिन उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो वो सीखना और वो प्रिजर्व करना ट्रस्ट में बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, अभी जो नए नए जितने भी घर बन रहे हैं कंक्रीट से बन रहे हैं, स्लैब्स हैं, उसमें पुराना ढंग हम भूल गए हैं, पेंट कर देते हैं बढ़िया से बन जाता है घर, कचरा होगा वो खुद, चाहे वो जितना मर्जी। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, नीदरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, पहली बात तो वो पब्लिक ये गाड़ियां वाड़ियां कुछ नहीं यूज करता, साइकिल पे अपने ऑफिस आता है। एक दिन क्या हुआ, वो एंटर कर रहा था, वो स्कैनिंग मशीन लगी होती है ना, देखी आपने कहीं भी अगर मेले वगैरह में भी जाते हो, कई बार स्कैनिंग मशीन लगी होती है एंटर होने के लिए, तो वो एंटर हुआ, उसके हाथ में कॉफी का ग्लास था, तो जो वहां पे सिक्योरिटी वाला था उसके हाथ से वो गिर गया, ठीक है गिर गया। यहाँ पे अगर अब इंडियन मेंटेलिटी और वो वाली मेंटेलिटी में डिफरेंस देखो, अगर कोई यहाँ का लोग हम में से ही कोई होता गिर गया, पहले तो उसको झाड़ देते सिक्योरिटी वाले, ठीक है, फिर उसको बोलते, फिर किसी को बुलाते कि साफ कर ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने वो कॉफी का गिलास उठाया डस्टबिन में डाला और जिस वहां पे स्वीपर था उसको बुलाया और वो खुद साफ किया, किसने, प्राइम मिनिस्टर, वो तो प्राइम मिनिस्टर तो हम तो क्या ही है, तो इतने बड़े, इतनी सोच उनकी मतलब स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। सब्जेक्ट तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट आजकल, हाँ दूसरी चीज इंटरनेट बहुत हो गया है। वेदिका, आपका नाम क्या, गीता, ओके सर, हमारे को अपने लोकल जो लोकल भाषा होती है उसमें बात करनी चाहिए और अपने आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आप बहुत सी जगहों पे घूमे हैं, तो आपने हमारी इंडिया को कौन सी पोजीशन पे देखा या फिर आपने क्या सोचा कि हमारा इंडिया तो ऐसा है? अभी पिछले 10-15 सालों में जिस पेस पे हम ग्रो कर रहे हैं ना, गाड़ी की स्पीड होती है ना 40 की स्पीड चल रही है, 60 की चल रही है, तो पिछले कुछ 50-60 सालों में हम लोग 40 की स्पीड पे चल रहे थे, ठीक है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो स्पीड है ना हमारी ग्रोथ की, वो बन गई है डबल ऑलमोस्ट, 80-100 की स्पीड पे हम लोग आज की डेट में चल रहे हैं। क्योंकि क्या था, पुराने भी कोई दिक्कत नहीं है, पुराने वाले लोगों में भी, उनमें क्या था, जब हम एक्चुअली इंडिपेंडेंस देश को मिली थी उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, ठीक है, एजुकेटेड क्लास बहुत ही कम थी, क्योंकि पढ़ने नहीं देते थे ना वो अंग्रेज, हिस्ट्री पढ़ी है ना आप लोगों ने, कभी तो पढ़ी होगी, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि हमारे बच्चे पढ़े, अगर वो पढ़ गए तो फिर वो आंखों से आंखें मिला के बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए उन्होंने पढ़ाना हमारे को जरूरी नहीं समझा। तो उस वक्त जो बेसिक नेसेसिटीज थी, जैसे खाना नेसेसिटी थी, बेसिक नेसेसिटी, ठीक है, और सड़कें बनाना नेसेसिटी थी, कोशिश सबने की, लेकिन जो पिछले 10 सालों में जो ग्रोथ का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि कोई भी टूरिस्ट बाहर से यहाँ इंडिया आता है तो वो आदमी अच्छी चीजें कम देखता है, गलत चीजें कम देखता है, क्यों देखता है, अभी इंडिया में 3-4 एयरपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वैसे तो बहुत हो गए, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, ये मेन एयरपोर्ट्स हैं। अभी आप लैंड करो उस एयरपोर्ट पे, जहाज से वो लोग आते हैं, ठीक है, जब वो लैंड करते हैं मुंबई में, वो सबसे पहला दृश्य क्या देखते हैं, झुग्गी झोंपड़ियां होती हैं आज की डेट में, ठीक है, वो लैंड करता है आदमी बाहर निकलता है, एयरपोर्ट का 2-3 किलोमीटर वाला जो एरिया है वो बहुत अच्छा है, मेटल रोड है, जैसे ही एयरपोर्ट से वो आदमी बाहर निकलता है, इधर कचरा है, कंजेस्टेड शॉप्स हैं, लोग बाहर बैठे हुए हैं, सड़कों पे सिग्नल तो फॉलो कोई कर ही नहीं रहा है, ये चीज वो जब देखता है ना वो यही चीज वापिस लेके जाता है अपने देश, ठीक है, बाकी को भी ये समझाता है कि यार बहुत अच्छा है वो लैंडस्केप, बहुत अच्छा है, फिर वो शिमला आता है, वो गोवा जाता है, कहीं और जाता है, वो ये बोलता है कि लैंडस्केप तो बहुत अच्छा है लेकिन वहां के लोग एकदम थर्ड क्लास है, ऐसे रहने, मैं यो ही तो बोल रहा हूँ, स्टेशन से जब मैं भी बाहर निकला, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे बचकाना माइंड होता है ना, मैं यहां से जब गया जॉब करने तो भी मैं, आप बिलीव नहीं करो, मैंने पीएमओ को लेटर लिखा था, हालांकि उसका जवाब नहीं आया था, कि इतना कूड़ा क्यों है यहाँ, मतलब मेरे अंदर से वो आवाज आई थी,
मैंने लेटर तक नहीं डाला, हालांकि उसका जवाब नहीं आया था क्योंकि उस वक्त और था एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे ही सवाल उनके माइंड में भी आते हैं। अब इस चीज को लेके डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो जो आते हैं ना बाहर से, वो लोग अच्छी चीजें भी लेके गए हैं यहाँ से। कैसे लेके गए हैं? सबसे पहले जो इंडिया को रूल किया था वो इन्होंने किया था, मुस्लिम रूलर ने किया था, ठीक है। तो उन्होंने गुलाम बना दिया, पढ़ने लिखने वैसे ही नहीं दिया किसी को, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी दिखी इनको, अंग्रेजों को, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना के कलकत्ता के रस्ते पूरे देश को ऑक्यूपाई कर लिया। तो फिर जो वहां से लोग आए थे ना, उन्होंने टेक्स्ट लिखे, उन्होंने बुक्स लिखी। तो एक मेगास्थेनिस करके एक बंदा था, उसने बुक लिखी। क्या था हमारे यहाँ, क्या था कंसेप्ट पहले एजुकेशन का? बच्चा छोटा है उसको गुरुकुल में भेज दो। पता है गुरुकुल, सुना है सबने? हाँ, गुरुकुल में भेज दो, वहां पे उसको सारी चीजों पे एक्सपोज कर दो। अलग अलग क्लासेस टीचर्स देते थे और वो एक्सीलेंट टीचर्स होते थे उस फील्ड में। जैसे म्यूजिक का फील्ड है तो म्यूजिक में कोई एकदम एक्सीलेंट बंदा होगा, जैसे कोई मान लो मेडिकल साइंस में है उसमें भी एक्सीलेंट होगा। तो वैसे वैसे करके जिस, और ऐसा नहीं था क्लासेस लग रही है, जैसे आपके यहाँ पे मान लो 50 क्लासेस है, 50 क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अब वो बच्चा जिस क्लास में बैठना चाहे वहां वो बैठ सकता है, इतनी छूट थी गुरुकुल में। पहले जो मेन आचार्य होगा वो समझाएगा कि ये चीजें यहाँ पे गुरुकुल में पढ़ाई जाती है, फिर बच्चा जिस क्लास में बैठना चाहे वहां पे बैठ सकता है, उस चीज में वो एकदम सुप्रीम विद्वान बन जाता था। विद्वान कहते थे उनको, विद्वान बन जाएगा। तो वो जो ट्रेवलर आया था भाई साहब यूके से, उसने वो पूरा डॉक्यूमेंट कर दिया, वापिस गया, वहां के जो हेड्स थे उनको बताया कि वहां एक ऐसा देश है, भारत करके देश है, वहां पे इस तरीके से बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का वो एजुकेशन आ जाएगी उसमें। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा हो रहा है, उन्होंने वो कैप्चर कर ली और अपने पास स्टोर रख ली, ठीक है। फिर आए वो ईस्ट इंडिया कंपनी सब हुआ, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा समझाने में, लेकिन वो आए और उन्होंने क्या किया, गुरुकुल सारे खत्म कर दिए, ठीक है। जो हमारे टेक्स्ट थे, मेन मेन टेक्स्ट थे, उपनिषद थे, पुराण थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी सुना है किसी ने? हाँ, वो जला दी थी, ठीक है, सब खत्म कर दिया उन्होंने एजुकेशन। और क्या किया, जो नेक्स्ट जनरेशन है ना उनको पढ़ने नहीं दिया, बोला तुम तो हमारे स्लेव्स हो, तुम तो हमारे लिए बर्डन हो। जब उन्होंने वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, देश को कैप्चर किया, तो फिर उन्होंने क्या बोला, हम गैंग के लोग हैं, हमारे घर में घुस के हमको ही बोल रहे हैं कि हम उनके ऊपर बर्डन, स्कूल्स यहाँ एस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। फिर उन्होंने क्या किया, जो गरीब लोग थे हर एक घर से एक बच्चा उठाना शुरू कर दिया, उनको पढ़ाया अपने तरीके से, ठीक है, सूट बूट वाले बढ़िया, अपना ही उनको कल्चर वर्ड आ गया इसमें, फिर से अपना ही कल्चर सिखाया, इंग्लिश में बात करना सिखाया, इंग्लिश में ही सब कुछ, वो पुराना अपना क्रिश्चियनिटी का सब समझाया, फिर उस बच्चे को पढ़ा लिखा के वापस घर भेज दिया। पेरेंट्स उसके गरीब है, बच्चा एंटर होता है, मतलब ये एक एग्जांपल है सिर्फ, बच्चा एंटर हुआ उसने देखा यार सब गरीब है, बड़े पुराने कपड़े पहने, क्या खाना खा रहे हैं बेकार सा, उसका मन मान नहीं लगा,